बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। आपने आपको म्यूट रख लिया? हाँ, मैं आज काम तो नहीं करवा रही ना, क्योंकि हम बहुत सारा घर कर आए हैं। जैसे कि आप लोगों को ये बता रही हूँ मैं कि आज कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था। कल हम लोगों ने पढ़ा था, मुताला किया था, मेरा मशगला। उससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने अमली किताब का सफ़ा नंबर 9 और 10 किया था बच्चों। ठीक है, आज का क्या टास्क है? आज का कोई काम नहीं है, इजी टास्क है आपका। पहले हम गिनती पढ़ेंगे, गिनती को धराते हैं, उसके बाद से जाफर से रीडिंग स्टार्ट होगी, दैट्स ऑल। ओके, हैप्पी कबीर, सही, खुश हो गए। लेकिन क्लास किसी को लेफ्ट नहीं करना है लास्ट तक, क्योंकि हम अटेंडेंस लगानी होती है आप लोगों की। ओके बेटा, सही। चले पहले गिनती देख लीजिए बच्चों, उसके बाद आपके क्वेश्चंस लेते हैं हम। पहले काउंटिंग देखिए। कबीर वेट, क्या हुआ कबीर जी? काम नहीं है आज? आज काम नहीं है, लेकिन बुध को टेस्ट है। आप देखिए इसको जरा देख लीजिए, बुध को टेस्ट है आपका। गिनती को, काउंटिंग को मिस दिखा रही है, लफ्जों के साथ, हिंसों के साथ, अंग्रेजी गिनती, ये सब आना चाहिए। किस तरह ले सकते हैं, इसने आपको बता दिया है कि दो हिंसे हैं, उसको जमा करके क्या करना है, उर्दू में बताना है, अंग्रेजी में बताना है। ठीक है, इजी हो गया, मजेदार होगा, लेकिन थोड़ा ट्रिकी होगा। आप लोग आराम से कर सकते होंगे। बुध को टेस्ट है कमिंग वीक ऑफ वेडनेसडे। काइंडली सी दिस बेटा, वही वाली काउंटिंग है, सही। ओके, आई एम स्टार्ट प्लेइंग द वीडियो। उर्दू गिनती अददों और लफ्जों में। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः। यस जाफर जी, जाफर मुझे आवाज नहीं आ रही। आवाज किसी को भी नहीं आ रही क्या? किसी को आवाज नहीं आ रही? कबीर आपको आ रही है आवाज? आ रही है, मैं आ रही है। अच्छा, चलें दोबारा प्ले, हैंड फ्री पहनो। हम आपको दोबारा प्ले कर देते हैं आपके लिए। पहनो हैंड फ्री, हैंड फ्री पहनो जाफर। अगर हैंड फ्री नहीं है जाफर तो आवाज टेस्ट कर लीजिए थोड़ी सी अपनी मोबाइल की बच्चा। ठीक है, हम दोबारा प्ले कर रहे हैं। उर्दू गिनती अददों और लफ्जों में। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस, चौबीस, पच्चीस, छब्बीस,
सत्ताईस, अट्ठाईस, उनतीस, तीस, इकतीस, बत्तीस, पैंतीस, चौंतीस, पैंतीस, छत्तीस, सैंतीस, अड़तीस, उनतालीस, चालीस, इकतालीस, अच्छा बच्चों आप लोग की है 20 से 40 तक, ठीक है। अब लफ्जों में, हिंसों में, अंग्रेजी में ये अच्छी तरह याद करिएगा। शायद अंग्रेजी आपसे पूछने हम अंग्रेजी वाली गिनती पूछे और उसके लिए उर्दू में क्या करते हैं इसको, ये भी हो सकता है। दो उर्दू के हिंसे दें आपको और कहें इसको जमा करें, ये भी हो सकता है। आपको ब्लैंक्स दें हम ब्लैंक की सूरत में, ठीक है, ब्लैंक की सूरत में देंगे और आप जो भी खाली खाली रह जाएगा आप उसको देखेंगे और आपसे सही पूछेंगे। जैसे अगर हमने लिखना है 31 तो तीन एक आएगा या एक और तीन, ये हिंसे सही हैं या नहीं है ये भी पूछ सकते हैं ट्रू एंड फॉल्स की सूरत में। आप लोगों को बस हमारा मकसद है गिनती सिखाना। कोई पहेली भी हो सकती है, एक सवाल कोई पहेली भी हो सकती है जिसमें कोई गिनती छुपी हुई हो, ठीक है। आपको इंशाल्लाह मजा आएगा, लेकिन थोड़ा घबराना नहीं है, ट्रिकी चीज तो आती है, आप सॉल्व करते हैं ना चीजें, इस तरह आप सॉल्व करेंगे। चाहिए जाफर स्टार्ट रीडिंग बेटा। अब मिस ने सबको ऑप्शन खोली, काइंडली सबसे पहले सुन लीजिए काइंडली दानियाल, अब्दुल कबीर, प्लीज डोंट अनम्यूट योर माइक विदाउट सेइंग एनी वर्ड। कि मिस कुछ ना कह दें नहीं, अपने माइक को खोलिएगा, ठीक है। हाँ दानियाल बेटा, वैसे सब माशाल्लाह सब समझदार हैं, लेकिन एक दफा सबको समझा दिया ना हमने, सब समझ जाते हैं। अब सबके पास ऑप्शन खुल गया है, जाफर रीडिंग स्टार्ट कीजिए बेटा। मजगड़ा नंबर दो, वेरी गुड। दस बरस की हुई तो मेरी सालगिरह पर अब्बा ने मुझे एक छोटी दूरबीन मंगवा दी। जब मैंने दूरबीन से सियारा जहरा को पहली मर्तबा देखा तो मेरी खुशी का थकना नहा रहा, आलम ना रहा, आलम ना रहा, हालत ना रहा। ऐसी खूबसूरत और जाफर रीडिंग वेट कीजिएगा बेटा, जाफर वेट कीजिएगा जी। इनाया बेटा बताइए क्या कह रही है, आपका नेट प्रॉब्लम कर रहा है तो इट्स ओके, यू मे लीव, आपके अटेंडेंस लग चुके, आज रीडिंग और गिनती का था बस, ठीक है। डोंट टेक स्ट्रेस, पढ़ाई के लिए स्ट्रेस बिल्कुल ना लिया, इस तरह लिया करें परेशानी के लिए, पढ़ने के तो लेना है, ठीक है। चले जाफर कंटिन्यू। इससे पहले कभी नहीं देखी थी और जब 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 मगाते हुए सियारे मुस्तरी की तरफ दूरबीन का रुख मोड़ा और मुस्तरी के चार बड़े चांदों को देखा जो खामोशी से इसके गिर्द तवाफ में मसरूफ थे। ओके वेरी गुड जाफर, जाफर वेरी गुड रीडिंग, यू गॉट टुडे, यू गॉट दिस, यस यस सबिका। कौन सी बुक निकालनी है, कौन सा पेज नंबर? अच्छा बेटा मैं पढ़ूंगा कबीर, हमने कहा था बगैर पूछे कोई म्यूट अनम्यूट नहीं करेगा अपने आप को, प्लीज बेटा। सबिका इट्स ओके, सबिका कूंज है दर्सी किताब, देखिए मैं दिखा रही हूं, कूंज है दर्सी किताब, चली गई, कोई मसला नहीं, चलेगा, अटक अटक के चल रहे, अटक अटक के चल रहे टीचर, चले ठीक है ओके। आपकी नेट की प्रॉब्लम हो रही, आज हमारा क्या टास्क है, बस हसन और इनाया आप क्लास लीव कर सकते हैं, आपके अटेंडेंस लगा दी हमने, रीडिंग करनी थी और गिनती का याद करना है, ठीक है। अच्छा कंजा, अच्छा बेटा एक बात बताएं, सैयारे किसे कहते हैं? ओके दुआ आप बताएं। मिस कैन वी रीड द क्लास? वाहे अब्दुल कबीर,
यू आर अ गुड बॉय ना, मिस तो बीच में पूछ रही, उनकी तो नेट की प्रॉब्लम होगी बेटा, एक तो जेनुइन मिस है, क्योंकि हमारे घर भी लाइट गई हुई है अभी, बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अच्छा सैयारे किसे कहते हैं, दुआ बताइए। अच्छा कबीर आप बताएं सैयारे किसे कहते हैं। मिस कोई इम्पोर्टेंट काम तो नहीं है ना, कौन कह रहा है ये भाई? तारों को कहते होंगे। हाँ सैयारे प्लैनेट्स को कहते हैं, गुड जाफर भी ये बताना चाह रहे थे। ठीक है वेरी गुड, चले कंजा। अनाया आप क्लास लीव कर सकती हैं, आज का टास्क ये है कि हमें रीडिंग करनी है और गिनती का टेस्ट है बुध को, सही? चले कंजा स्टार्ट रीडिंग। इम्पोर्टेंट काम तो नहीं है ना अभी? नहीं नहीं अभी कुछ नहीं है। ओके नेक्स्ट वीक आप चार बड़े चांदों को देखा जो यस यस यू कैन खामोशी से इसके गेट तरफ में मुसरफ थे, तो मुझे याद है कि इस नजारे को देखकर मैं हक्का बक्का रह गई। एक मिनट कंजा, सभी का सफा नंबर 18, मेरा मजगार नंबर 2, कबीर नहीं कीजिए, रह गई, शाबाश वेरी गुड। मैं अब तक कई बड़ी दूरबीन और रसगाहों से आसमान का मशहूर मुशाहिदा कर चुकी हूँ, बड़ी दूरबीन से तो कायनात के बहुत से दिलचस्प और हैरान कुन नजारे सामने आते हैं। Very good. मसलन वो बड़े बड़े गैस के बादल जहां सितारे पैदा होते हैं और वो धमाके जो सितारों के कब्रिस्तान होते हैं। शाबाश कंजा वेरी गुड। अनाबिया वेरी गुड। अनाबिया बेटा स्टार्ट रीडिंग। मिस कहाँ से? सफा नंबर 18 सेकंड पैराग्राफ बेटा, मैंने सितारों से। अच्छा अभी आप लोगों का ना इमला का पैराग्राफ अंडरलाइन करवाएंगे हम, पेंसिल रखिएगा अपने साथ बच्चों, ठीक है? चलें स्टार्ट कीजिए अनाबिया। मैंने सितारों से वाबस्ता बहुत सी दिलचस्प कहानियां भी पढ़ी हैं। अयान खलील वेट कीजिएगा बेटा। I can't find that page. सफा नंबर 18 निकालें, मेरा ये है कूंज। मिस जो छोटा वाला पैराग्राफ है। जी जी लास्ट वाला पैराग्राफ। मिस इमला बता दे। ये कौन बोल रहा है भाई? अयान खलील आप कह रहे हैं? कौन कह रहा है? मिस इमला बता। अयान खलील। मिस मैं खलील। बेटा ये इंटरप्ट नहीं किया करें। काइंडली कीप क्वाइट। आई एम टेलिंग यू वेट नेक्स्ट पेज पे इमला। स्टार्ट अनाबिया। मैंने फुफ्फो के साथ आसमान के नो सफा नंबर 18 पेज नंबर 18 मेरा मजगला 2, मैंने सितारों से वाबस्ता। यस देखें कंजा दिखा भी रही है आपको पेज। यस जबीका ने भी दिखा दिया। हरिये बेटा। बट मिस जी 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 बताइए। मिस मेरा तो ये वाला आ रहा है, मेरा मजगला नंबर 2, नंबर 2 आगे करी सफा नंबर। नो इनको पढ़ने दे, मिल गया इनको, मिल गया बेटा। यस मिस। शाबाश चलें। हाय मिस शुरू की लाइन का एक वर्ड बताएं। मैंने सितारों से वाबस्ता लास्ट पैराग्राफ बहुत सी
दिलचस्प कहानियां भी पढ़ी हैं। मिस मिल गया? यस मिस। शाबाश, स्टार्ट रीडिंग हरियप। मिस बट ये इसके अंदर कुछ और लिखा हुआ है। दिखाइए अना भी, पेज दिखाइए हमें। आप निकाली हुई हैं, क्या निकाली हुई है? मेरा मशगला। ये yes, आपने miss. आपने मेरा मशगला नंबर एक निकाला हुआ है। मेरा मशगला आगे पेज पलटिए। नंबर एक सफा नंबर 18 निकालें, पेज नंबर 18। अनाबियत ने कहा हाँ ये वाला पेज। जी मिस, मिस मिल गया। शाबाश। मैंने सितारों से वाबस्ता बहुत सी दिलचस्प कहानियां भी पढ़ी जो ज्यादातर यूनानी हैं। वेरी गुड। एक और दिलचस्प बात जो मुझे मालूम हुई वो ये कि बहुत से सितारों के अंग्रेजी नाम दरअसल अरबी जबान से लिए गए हैं। इसकी वजह ये है कि ये नाम मसलन बेतलगुएसी, हाँ बेतलगुएस, अलगोल, अल्जेब्रा, अल्टर, यस, मसलमान, मुसलमान, माहिर, माहिनी फलकियात के। अनाबी ये है माहिरीने फलकियात के रखे हुए हैं। मुसलमान साइंसदानों मसलन अल्बेरनी और नसीर नसदरुद्दीन तूसी ने फलकियात पर बहुत काम किया और रसद गाहें बनाई। नो अनावी म्यूट योरसेल्फ बेटा। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छी कोशिश। रसद नहीं, रसद गाहें बनाई। अब इसमें इतने मुश्किल वर्ड हैं, चार्ज करें तो आप लोगों ने शायद नहीं सिखाएंगे, इसीलिए हम आप लोग से इमला ले रहे हैं, इमला का पैराग्राफ। ठीक है, चलें आप पेज टर्न कीजिए, सफा नंबर 20 निकालें सब बच्चों। सफा नंबर 20 सबने, एक तो सबसे बड़ी बात है यह सफा नंबर 20। कबीर, कंजा, सबीका, जाफर और अनाबिया, ये इन सबको आज स्टार मिलेगा अटेंडेंस में। क्यों हमाज सीधे होकर बैठी बेटा, आप क्यों सो रहे हैं हमाज? आप सब पूरा नजर आ रहा है हमाज शहजाद। आप लोगों को स्टार इसलिए मिलेगा क्योंकि आपका कैमराज ऑन है, पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी है। बाकी अभी नूर हादी का भी खुला हुआ था कैमरा, बाकी सब हमने कैमराज ऑफ करके बैठे हुए सुकून से, हमें पता ही नहीं चल रहा, ऐसा लग रहा है हम अंधेरे को पढ़ा रहे हैं, है ना? अगर टीचर ऐसा कर लें कि टीचर आपको नजर ना, तो कितना परेशान हो जाते हैं आप लोग, क्या है मिस कहाँ चली गई, मिस कहाँ चली गई, आप तो आई नहीं है ना? अब इस तरह ऐसा लग रहा है हम अंधेरे को पढ़ा रहे हैं, खिड़कियां बंद हैं। अभी भी बहुत से बच्चों ने अपना कैमरा ऑफ किया। अच्छा चलें, ये इमला का पैराग्राफ अंडरलाइन कर लें और फिर सब रेडी हो जाइए वन वन वर्ड के लिए कि अपने एक एक लफ्ज में आपका पसंदीदा मशगला क्या है और क्यों है। 20 में लास्ट पैराग्राफ देखिए, पेंसिल से टिक कर लीजिए इमला का पैराग्राफ। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि, सफा नंबर 20 लास्ट पैराग्राफ, यस यस बेटा 20 पेज नंबर। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि आसमान एक बेहद दिलचस्प किताब है जो खुदा ने हमारे पढ़ने के लिए खोल रखी है। हर जमाने में लोगों ने इस अजीब व गरीब किताब को पढ़ने की कोशिश की और इसको थोड़ा सा समझने लगे हैं। खत्मा, खत्मा मींस डैश, उर्दू में उस स्टफ को कहते हैं खत्मा। मगर अब कॉमा, जब के हम इसको पहले से बहुत ज्यादा
अच्छी तरह समझ सकते हैं, कॉमा हमें ये मालूम हुआ है कि अभी हम इस किताब के पहले ही सफ़े पर हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन मार्क आएगा इसको, क्या ये इसको मार्क को हम क्या कहते हैं, आप लोग को इंशाअल्लाह अरब भी सिखाएंगे हम ये जो, हाँ उर्दू में भी इसको कहते हैं, इस सब मार्क्स के जो मार्क होते हैं ना, ये जो फुल स्टॉप है और इसको उर्दू में क्या सवाले निशान होता है, ये सब इंशाअल्लाह सिखाएंगे आपको हम। ठीक है, ये आपका इमला का पैराग्राफ है, ये अगले जुम्मे को हम आपसे लिखवाएंगे, मिस बोल रही होंगी और आप लिख रहे होंगे ईमानदारी के साथ। ठीक है, चले सबसे पहले स्टार्ट करती है मिस हुनैन से। हुनैन अनम्यूट योर माइक, हरी अप। जी 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 हम आ चले, आप बताएं आपका माइक अभी अनम्यूट था, आपका पसंदीदा मशगला क्या है बेटा, सब सुन रहे हैं। मिस व्हाट, आपका पसंदीदा मशगला क्या है, हॉबी क्या है आपकी फेवरेट? मिस माय फेवरेट हॉबी इज रैकेट। आप रैकेट प्लेइंग रैकेट, उर्दू में क्या आपके पसंदीदा मशगला क्या है कि रैकेट खेलना प्लेइंग है आपका। ओके आयान खलील, गुड। सबके पास मिस जल्दी जल्दी आएंगी। यस आयान खलील, हरी अप। आयान आपका पसंदीदा मशगला क्या है? मिस बैडमिंटन। आपको बैडमिंटन पसंद है खेलना? जी मिस बहुत। चले ठीक है, यस नूरुल हादी जल्दी से बताइए। मिस मैं बताऊं? हाँ हाँ सिस्टर वेट कीजिए। मिस क्रिकेट टीचर, क्रिकेट क्रिकेट खेलना आपका मशगला है आपका ये। ओके किसा आप बताइए, अब याद रखिएगा अपने मशगले किसा जल्दी से। मिस बैडमिंटन। आपको भी तो सर्दियों का हो गया, इसका मतलब है कोई ऐसा मशगला है कि जो आप फोर सीजन चलता रहता हो। खेलना कड़म पकड़ा है पूरा। ओके चलें कंजा आप बताइए, जाफर आप भी सबसे अच्छा आज माशा जाफर बैठे हुए माशाल्लाह माशाल्लाह, है ना, तंग नहीं कर रहे आज क्यों भाई जाफर, रोजा लग रहा है। मेरा पसंदीदा मशगला है रंग निगारी। रंग निगारी, वेरी गुड, जबरदस्त अल्फाज इस्तेमाल किया, मुसव्वरी। रंग निगारी मींस ड्राइंग करना, कीप इट अप। यस सबीका, मरियम इट्स योर टर्न नाउ आफ्टर सबीका। यस सबीका क्या मशगला है आपका, फेवरेट हॉबी क्या है? माय फेवरेट हॉबी इज रीडिंग बुक्स। उर्दू में क्या कहेंगे इसको, मेरा पसंदीदा मशगला है, मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। शाबाश जबरदस्त। यस मरियम आपका मशगला क्या है बेटा? मेरा पसंदीदा मशगला ड्राइंग है। ओके वेरी गुड, इसका मतलब आपका पसंदीदा मशगला मुसव्वरी करना है, रंग रेजी करना है। शाबाश बहुत अच्छी चीज होती है ये भी। जाफर अब आप बताइए बेटा, कमरोश आपसे पूछेंगे इसके बाद। पसंदीदा मशगला पढ़ना है, किताबें पढ़ना है, जबरदस्त। ओके बहुत मजा आता होगा दो दो में। अना भी आप बताइए बेटा, आगे मैं बड़ा होके आर्मी बनूं। ओके अच्छा आदमी बनूं। ओके बस अभी बस क्लास खत्म होने वाली है, बस दो एक मिनट और दे दें इसको। अना भी हाँ हाँ अना भी, और मिस मुझे गुनगुनाना और क्राफ्ट करना पसंद है। वाओ गुनगुनाना, चले बुध को नेक्स्ट क्लास में आपसे हम थोड़ा सा सुनेंगे कुछ, ठीक है, है ना। आपने नाम भी बहुत अच्छी पढ़ी थी। यस समरोज, मुझे आर्ट्स और रैकेट पसंद है खेलना। ओके हुनैन, टाइम इज ओवर, वेट फॉर अ व्हाइल। क्रिकेट पसंद है, ओके मौजम आपको क्या पसंद है? दुआ मौजम बताइए क्या? मुझे रीडिंग करना पसंद है। ओके वेरी गुड, रीडिंग मुताला करना पसंद है। और हुनैन को क्या पसंद है? दानियाल को क्या पसंद है? दानियाल जी जल्दी बताइए दानियाल। ओके नूरुल हादी को तो हॉकी पैरट पसंद है। अच्छा किसी ने टीचर से नहीं पूछा मैं आपको क्या पसंद है? पढ़ाना पसंद है, मिस का पसंदीदा मशगला पढ़ाना है। You okay, you know,
उर्दू पढ़ाना, उर्दू पढ़ाना और अच्छी तरबियत भी देना, ठीक है, सही है। चलें इंशाल्लाह बुध को टेस्ट के लिए तैयार रहेगा, उसके बाद हम लोग अनाविया से थोड़ा कुछ सुनेंगे, आपके अपनी हॉबी के बारे में और मजेदार बातें करेंगे, ठीक है। सही है मरियम, अपनी ड्राइंग दिखाइएगा, अपनी ड्राइंग दिखाइएगा जो आप लोग फारे वक्त में करते हैं, जो भी आप लोग हॉबीज अपनाते हैं जरूर दिखाइएगा हमें, ठीक है। ओके चलें, अपना ख्याल रखिएगा, गेट रेडी फॉर द टेस्ट फॉर द वेडनेसडे, टेक केयर, हैव अ नाइस वीकेंड बेटा, सबको दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, रेस्ट कर।